दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 से, क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले के क्वेश्चंस और बीपीटी थ्योरम मैं अपनी लास्ट वीडियो में करवा चुका हूँ। एक बार मैं बीपीटी को फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ, क्योंकि उसका इनमें सम्स में जो ना यूज़ होगा। देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि किसी ट्राइंगल में अगर कोई लाइन ऐसे पैरेलल खींची जाए थर्ड साइड के, तो ये जो पार्ट हो जाते हैं ना, ये आपके इक्वल रेशियो के हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक एबीसी एक ट्राइंगल है, यहाँ पे मैंने पी क्यू जो लाइन है वो बीसी के पैरेलल खींच दी। तो अब इस तरफ की जो रेशियो है ना, यानी ए पी अपॉन पी बी, वो आपकी इक्वल होगी इस तरफ वाली रेशियो के बराबर, यानी ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये बी पी टी है। इसके आधार पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लास्ट वीडियो में आपने किए हैं, आगे भी बहुत सारे सम्स आएंगे। अच्छा, बी पी टी का जो कन्वर्स है, कन्वर्स का मतलब है उल्टा। अब उल्टा इसका क्या होगा? इसका उल्टा बिल्कुल सिंपल ही हो जाएगा। देखिए, बी पी टी में क्या होता है, आपको गिवन होता है कि लाइन पैरेलल है, यानी पी क्यू पैरेलल है, और आपको प्रूफ क्या करना होता है कि जो रेशियो है वो बराबर है। कन्वर्स में क्या होगा, ये चीज़ तो हो जाती है आपकी गिवन, कि कन्वर्स में आपको ये दिया हो कि ये रेशियोज दे रखी हो, और आपको ये प्रूफ करना हो कि पी क्यू बी सी के पैरेलल है। तो कन्वर्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि आपको रेशियो दे रखी हो और बताएं कि लाइंस पैरेलल है या नहीं है। तो ये दो ही थ्योरम है आपकी 6.1 और 6.2 इस एक्सरसाइज से पहले की। चलिए 6.2 से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़ता हूँ पहले बुक से। थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर, फिगर मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, इफ एल एम पैरेलल टू सी बी, अगर ये जो एल एम है ये आपका सी बी के पैरेलल है, एंड एल एन, और ये जो एल एन है ये आपका सी डी के पैरेलल है, प्रूव दैट। तो फिर आपको प्रूफ करना है कि ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी, ये आपको प्रूफ करना है। तो ये बी पी टी सही होगा, क्योंकि आपको लाइंस पैरेलल दे रखी है ना, तो यानी आप इसके अंदर बी पी टी लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना वो ट्राइंगल जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। मैं पहले ऊपर वाले ट्राइंगल से शुरू करूँगा, आप नीचे को भूल जाइए, ऊपर वाले ट्राइंगल को देखिए। इन ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ से सॉल्यूशन है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी के अंदर मुझे क्या गिवन है, एल एम पैरेलल टू बी सी, ये चीज़ गिवन है। अब जब एल एम बी सी के पैरेलल है, तो बाय बी बी पी टी, देयर फोर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, हम क्या लिख सकते हैं, इनकी जो रेशियोज होंगी इस तरफ वाली इज इक्वल टू इस तरफ वाली। तो हम ये लिख सकते हैं ना, ए एम अपॉन एम बी, या ए एम अपॉन ए बी भी लिख सकते हैं। मैंने बताया भी था आपको लास्ट टाइम कि इनके कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे बन जाते हैं, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप समझ जाएंगे। देखिए, अगर हम ऊपर वाला ले रहे हैं तो ऊपर वाले के नीचे हम पूरा ले रहे हैं, यानी इसका अगर ऊपर वाला ले रहे हैं और ये पूरा ले रहे हैं, तो इस तरफ वाला ऊपर का पूरा पोर्शन अपॉन में पूरा ये वाला पोर्शन, तो भी बराबर हो जाता है। जैसे हम ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, देयर फोर बाय बी पी टी, इधर का ए एम अपॉन ए बी इस तरफ हो जाएगा आपका ए एल अपॉन ए सी, और इसे नंबर वन रख देंगे। ये मैंने किया है पहले वाले ट्राइंगल में, यानी ऊपर वाले ट्राइंगल में। यही सेम टू सेम आपको नीचे वाले ट्राइंगल में करना है। तो फिर से आप नाम लिखेंगे ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल नीचे वाले का क्या नाम है, ए डी सी। तो अब आप ए डी सी ट्राइंगल में लेंगे और फिर लिखेंगे आपको दिया क्या है इसमें, इसमें दिया है आपको एन एल पैरेलल टू डी सी, एल एन पैरेलल टू सी डी दिया हुआ है। तो बाय बी पी टी क्या हो जाएगा, देयर फोर बाय बी पी टी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इस तरफ का ए एन अपॉन ए डी
बराबर होगा इस तरफ AL अपॉन AC, और इसको नंबर रख देंगे हम 2। अब आप अपने नंबर 1 और 2 पे ज़रा ध्यान दें। देखिए AM AB और AN AD ये दोनों के दोनों आपके AL AC के बराबर आ रहे हैं, यानी ये जो बीच वाली चीज़ है ना, ये दोनों के लिए आपकी कॉमन आ रही है। ये वाला पार्ट भी आपका AL AC बराबर आ रहा है और ये वाला रेशियो भी आपका AL AC आ रहा है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि कोई दो चीज़ें अगर किसी एक चीज़ के बराबर होती हैं तो वो दो चीज़ें भी आपस में सेम ही होंगी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम अपना रिजल्ट लिख सकते हैं, जो हमें चाहिए वो ही आंसर आ रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा, ये चीज़ इज इक्वल टू ये चीज़, तो देयर फोर फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख देंगे AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। और यही इसके अंदर प्रूफ होना था, तो इसको हैंस प्रूव, ये प्रूफ हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 4th, वो भी इसी तरह का है। इन सम्स में ना आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि जब भी आपके दो ट्राइंगल बनेंगे ना, तो उनमें कोई एक चीज़ ज़रूर कॉमन आ जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पे ALAC कॉमन आ गया ना, ALAC इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया। तो जब ये दोनों चीज़ें ALAC के बराबर हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपस में भी बराबर हो जाएंगी और इससे आपका रिजल्ट आ जाता है। इसी तरह के अगले क्वेश्चंस भी हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 की लैंग्वेज है इन फिगर, फिगर मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, डी ई पैरेलल टू ए सी। देखिए डी ई पे ध्यान दीजिए, ये आपका डी ई है और ये ए सी के पैरेलल है। एंड डी एफ, ये आपका डी एफ है और ये पैरेलल टू है ए ई के, ये ए ई के पैरेलल है। तो प्रूव दैट, आपको प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई, यानी बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी के। तो दिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन, लेकिन इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है कि आपको कोई एक चीज़ इसमें ना कॉमन मिल जाएगी। अब वो कॉमन कैसे मिलेगी, देखिए सॉल्यूशन करते हैं इस सवाल का, फिर आपको समझ में आएगा। यहाँ से सॉल्यूशन है, सबसे पहले ना इसमें वो दो ट्राइंगल ढूंढने हैं आपको जिनमें आपके पेयर लाइन का कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखिए अगर आप एक छोटा ट्राइंगल देखते हैं ना, ये वाला, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो डी एफ है ना वो ए ई के पैरेलल है, ये दिख रहा है ना आपको। अच्छा अगर आप बड़ा ट्राइंगल लेते हैं तो आपको ये दिखेगा कि ये जो डी ई है ना ये ए सी के पैरेलल है। तो यही दो ट्राइंगल लेने हैं आपको और यहीं से आपका रिजल्ट आएगा। तो चलिए मैं पहले ले लेता हूँ छोटे वाले ट्राइंगल को, ले लेता हूँ ए बी ई को। इन ट्राइंगल ए बी ई कौन चीज़ पैरेलल है आपके, ए बी ई के अंदर ना डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो ऐसे लिखेंगे डी एफ पैरेलल टू ए ई। जब ऐसा है तो देयर फोर बाय बी पी टी, फिर बी पी टी के अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यहां का बी एफ अपॉन एफ ई दूसरी तरफ के बी डी अपॉन डी ए के बराबर इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी ए के बराबर, और ये नंबर 1 डालें आप इसको। तो मैंने एक ट्राइंगल तो ले लिया छोटा वाला, अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल लूंगा जिसमें मेरा पेयर लाइन का कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्योंकि पेयर सॉरी पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन के बिना तो सवाल हो ही नहीं सकता। तो बड़ा वाला ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल पूरा का पूरा ए बी सी। ए बी सी में क्या है आपका, डी ई पैरेलल टू ए सी ये दिया हुआ है, तो देयर फोर बाय बी पी टी। तो बी पी टी से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि बी ई इस तरफ वाला, पहले इधर देखते हैं नीचे वाले की तरफ, ये लाइन पैरेलल है ना डी ई, तो इसने यहाँ पे तोड़ दिया इसको, तो यहाँ से ये टुकड़ा बना बी ई।
और दूसरा टुकड़ा बनता है आपका ई सी, और यहाँ पे बी डी और ये डी ए। तो इस तरफ तो बना आपका इस पैरेलल लाइन से बी ई और दूसरा वाला ई सी, और इस तरफ इस पैरेलल लाइन ने कहाँ पे तोड़ा, डी पे, तो यानी बी डी अपॉन डी ए। ये नंबर टू आपका। अब देखिए जरा आप ध्यान से, आपको वन और टू दिखाई दे रहे हैं, आपको इनमें कोई चीज कॉमन दिख रही है दोनों में? देख लीजिए, बी डी डी ए, बी डी डी ए। तो ये जो बी एफ और एफ ई है, ये भी आपका बी डी डी ए के बराबर, यानी बी एफ और एफ ई मैंने छोटे ट्राइंगल कर लिया नीचे की पार्ट में, और जो आपका बी ई और ई सी है, ये मैंने बड़े ट्राइंगल कर लिया नीचे के पार्ट का, और ये जो दोनों चीजें हैं ना, ये इस तरफ वाले बी डी डी ए के बराबर आ गई हैं। तो अभी हम इनसे ये रिजल्ट निकाल सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू, जब ये राइट साइड वाले इक्वल हैं तो जो लेफ्ट साइड में है ये भी आपस में बराबर ही होंगे। तो देयर फोर फ्रॉम वन एंड टू हम लिख सकते हैं कि जो बी एफ अपॉन एफ ई है वो आपका बराबर होगा बी ई अपॉन ई सी के, और यही आपको प्रूफ करना है। देखिए ऊपर बी एफ अपॉन एफ ई, बी ई अपॉन ई सी, यही प्रूफ करना है, ये प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन फोर था। चलिए क्वेश्चन फाइव करते हैं, वो भी इसी तरह का है। क्वेश्चन फाइव की लैंग्वेज है इन फिगर, ये जो फिगर आपको दिख रही है मैंने बना रखी है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। देखिए डी ई, देखिए आप ये डी ई दिख रहा है आपको, ये ओ क्यू के पैरेलल है, एंड डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ये डी एफ है, ये ओ आर के पैरेलल है। शो दैट, आपको दिखाना है कि जो ई एफ लाइन है ना वो क्यू आर के बराबर है, सॉरी पैरेलल है। तो इसमें भी आपको दो ट्राइंगल ज़रूर दिख रहे होंगे, इनमें ना आपको दो ट्राइंगल तो हमेशा दिखाई देंगे, क्योंकि तभी आपका रिजल्ट आएगा। देखिए एक तो मैं इधर देख रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड में मुझे पी ओ क्यू ट्राइंगल दिख रहा है। अब पी ओ क्यू ट्राइंगल के अंदर मेरे पैरेलल लाइन का कौन सा कॉम्बिनेशन बन रहा है, पेयर, ये बन रहा है ई डी और ओ क्यू। ऐसे ही मुझे दूसरा वाला ट्राइंगल इधर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है डी एफ और ओ आर। तो इन्हीं दो ट्राइंगल्स को यूज़ किया जाएगा और आगे आके रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए यहां से शुरू करते हैं, पहले ये लेफ्ट साइड वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू के अंदर आपको कौन सी लाइंस पैरेलल दे रखी हैं, आपको दिया है ई डी पैरेलल टू ओ क्यू, ई डी पैरेलल टू ओ क्यू दिया हुआ है। तो जब ये गिवन है तो देयर फोर बाय बी पी टी क्या हो जाएगा, देयर फोर बाय बी पी टी, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जब इसमें लग जाएगी तो आप कौन सी रेशियो लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं इधर का पी ई अपॉन ई क्यू इस तरफ के पी डी अपॉन डी ओ के बराबर, पी ई अपॉन ई क्यू और दूसरी तरफ पी डी अपॉन डी ओ के बराबर, इसे नंबर रख दे वन। चलिए अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इसी तरफ वाला, ये वाला राइट साइड वाला। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम पी ओ आर, पी ओ आर ट्राइंगल लेंगे और इसमें देखिए कौन सी लाइंस पैरेलल है। देखिए डी एफ पैरेलल दे रखा है आपको इस ओ आर के पैरेलल, डी एफ पैरेलल टू ओ आर। तो इस ट्राइंगल के अंदर जब आपका डी एफ पैरेलल दिया है ओ आर के, तो देयर फोर बाई बी पी टी, तो बी पी टी से क्या रेशियो बन जाएगी, इस तरफ वाले का पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू हो जाएगा इस तरफ पी डी अपॉन डी ओ के बराबर। तो हम लिखेंगे पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ये नंबर टू डाल दिया। अब देखिए इसमें भी आपको पिछले दो क्वेश्चंस की तरह बिल्कुल एक चीज सेम दिखाई दे रही होगी कॉमन, कौन सी, पी डी डी ओ, पी डी डी ओ,
ये मैं जानबूझ के इस तरफ लेता हूँ ताकि आपको ये साफ तरह से दिखाई दे। जब आप इन सम्स को करेंगे ना, तो आप भी इसी तरह से करना कि जो चीज़ कॉमन आ रही है ना, उसे आप अपना राइट साइड में रखें, तो वो दोनों चीज़ें आपको सेम दिखाई देंगी। तो उससे रिजल्ट आ जाएगा कि जो लेफ्ट साइड वाली है ना, वो भी आपकी बराबर हो जाती हैं। तो फ्रॉम वन एंड टू से हमें ये रेशियो बराबर मिल गई। देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू हम लिख सकते हैं पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू, ई क्यू है इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखिए ये रेशियो बराबर आ गई है, लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है, हमें दिखाना है कि ई एफ जो लाइन है ना, वो क्यू आर के पैरेलल है। अब आप ये सारा छोड़ के पूरे ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए। अब आप ध्यान दीजिए ट्राइंगल पी क्यू आर के ऊपर। जब देखेंगे ना आप ध्यान से, तो आपको दिखेगा कि पी क्यू आर के अंदर ही तो ये चीज़ दिखाई दे रही है, यानी पी क्यू आर के अंदर आपका पी ई अपॉन ई क्यू हो गया और पी एफ अपॉन एफ आर हो गया। तो इसमें थ्योरम बी पी टी का उल्टा लग गया, यानी कि जब डिविजन्स बराबर हो जाते हैं ना, जब दोनों तरफ के जो फ्रैक्शन है, जो रेशियो है, जब वो बराबर हो जाती है, तो जिन लाइनों से वो रेशियो बनती है, वो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। तो इसमें इनवर्स लग गया। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, पूरा लिखेंगे अब पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर। हम फिर से लिखेंगे ये चीज़ को, हम दोबारा से लिखेंगे कि इस ट्राइंगल के अंदर जो है ना, ये चीज़ें आपस में बराबर आ गई हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी ई अपॉन ई क्यू आ गया है आपका पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर। तो देयर फोर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स यानी कि उल्टा, उल्टा यानी कि फ्रैक्शन बराबर आ गए हैं, रेशियो बराबर आ गई है, तो उल्टा क्या होगा? उल्टा ये होगा कि ये जो लाइन है, ये आपका इसके पैरेलल होगी, ये इसका उल्टा होता है। तो देयर फोर बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी हम कह सकते हैं ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना, आपकी दोनों थ्योरम्स का यूज हो गया है। देखिए यहाँ दोनों पे हुआ आपका बी पी टी का यूज, और यहाँ ये पलट के आपके पूरे ट्राइंगल में रेशियो बराबर आ गई है दोनों साइड की, रेशियो बराबर आ गई है, तो आपका कन्वर्स लग गया बी पी टी का, तो आपने लाइन पैरेलल इसको प्रूफ कर दिया। चलिए ये फिफ्थ क्वेश्चन था। इसके बाद करते हैं आपका सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है, सेम टू सेम, ऐसे ही करना है इसको भी। लैंग्वेज पढ़ता हूं मैं बुक से। इन फिगर, ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, ए बी सी आर पॉइंट्स, देखिए ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। ऑन ओ पी, ओ पी के ऊपर, ये ओ पी दिख रहा है ना आपको, ओ पी के ऊपर ए पॉइंट है, ओ क्यू के ऊपर आपका बी पॉइंट है, एंड ओ आर, ओ आर के ऊपर आपका सी पॉइंट है रेस्पेक्टिवली। सच दैट इस तरह से है कि जो ए बी है वो आपका पी क्यू के पैरेलल है, यानी ए बी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, एंड ए सी जो है वो आपका पी आर के पैरेलल है, ये भी दिया हुआ है। तो शो करना है कि जो बी सी है वो क्यू आर के पैरेलल है, तो आपको ये वाली चीज शो करनी है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। यानी आपको ये दो लाइनें तो पैरेलल दे रखी हैं, ये वाली और ये वाली, और आपके जो रेड वाली लाइन है, ये आपको शो करनी है कि ये चीज़ आपकी क्यू आर के पैरेलल है। तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से सवाल होगा जैसे आप पिछले तीन क्वेश्चन करते आए हैं। इसमें भी आपको दो ट्राइंगल पहचानने हैं, और उन ट्राइंगल में ये पहचानना है कि कौन सी साइड है आपके थर्ड साइड के पैरेलल। तो आपको दिख रहे हैं दो ट्राइंगल, देखिए जिन, ये जो दो पैरेलल लाइन है ना, इन्हीं वाले दो ट्राइंगल है, उन्हीं को लेना है आपको। यानी पहले आप ले लीजिए पी ओ क्यू को, और फिर ले लीजिए आप पी ओ आर को,
और लाइन पैरेलल दे रखी है, तो बीपीटी लगा के अपनी रेशियोज उतार लीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं लेता हूँ पहले पी ओ क्यू को, तो इन ट्राइंगल पी ओ क्यू कौन सी लाइन पैरेलल दे रखी है आपको, ए बी, ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये है ए बी पैरेलल टू पी क्यू। जब ये पैरेलल है तो देयर फोर बाय बी पी टी, तो बी पी टी से हम क्या लिख सकते हैं, हम ये रेशियो लिख सकते हैं कि ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी। ये आपका रिजल्ट नंबर वन फर्स्ट ट्राइंगल से। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, देखिए ये वाला, इसे मैं नंबर वन डाल रहा हूँ, इसे नंबर टू। अब दूसरे ट्राइंगल का नाम है आपका इन ट्राइंगल पी ओ आर। पी ओ आर के अंदर आपको कौन सी लाइन पैरेलल दे रखी है, ए सी, ए सी पैरेलल दे रखी है आपको पी आर के बराबर, ए सी पैरेलल टू पी आर। तो देयर फोर, तो बी पी टी के द्वारा क्या हो जाएगा, इनकी जो रेशियोज हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो अब देखिए यहाँ पे ओ ए और ए पी है ना, ये दोनों में आ रहा है ना, तो मैं इसको राइट साइड में रखूंगा जानबूझ के। ये आप भी ध्यान रखना, जब भी इस तरह का सवाल आएगा ना, तो आपको दोनों ट्राइंगल में जो एक चीज कॉमन आ रही है ना दोनों में, उसे आप अपना राइट साइड में रखना और लेफ्ट साइड में उसे रखना जो चीजें अलग हैं। तो इस तरफ मैं रखूंगा ओ सी और सी आर को लेफ्ट साइड में, ओ सी सी आर, और राइट में क्या आ गया मेरा, ओ ए ए पी। और ये रिजल्ट नंबर दो। अब ये भी आपका बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन हो गया जैसे आपने पीछे करे हैं। आपको दो ट्राइंगल मिले, दो ट्राइंगल में से दो रेशियोज मिली, और वो दो रेशियोज इस तरह की हैं कि उनमें वो दोनों की दोनों किसी एक चीज के बराबर है कॉमन, और जो क्या है ओ ए अपॉन ए पी। तो यहाँ वन और टू से आप क्या बता सकते हैं, क्योंकि राइट साइड तो बराबर है दोनों की, तो ये जो लेफ्ट साइड है ये भी आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से रिजल्ट आ गया आपका, देयर फोर फ्रॉम वन एंड टू हम लिख सकते हैं ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ये हो गया। अच्छा अब देखिए ये जो ओ बी और बी क्यू बने हैं ना आपके, और जो ओ सी और सी आर बने हैं, ये कहाँ बन गए, ये बन गए आपके एक नीचे वाले ट्रायंगल में। ध्यान से देखें आप, जिसे मैं ब्लू कर रहा हूं, ये वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के अंदर आपको रेशियोज बराबर मिल गई, और जब रेशियोज बराबर हो जाती हैं तो फिर बीपीटी का उल्टा लग जाता है, यानी कि कन्वर्स। और जो लाइन पैरेलल होती है उसके जो पॉइंट्स, वो जो लाइन होती है, सॉरी, जिस लाइन से वो रेशियोज बराबर होती हैं वो लाइन आपकी पैरेलल प्रूफ हो जाती है। तो बी सी आपकी क्यू आर के पैरेलल प्रूफ हो जाएगी, यही आपको इसमें शो करना है। तो अब सेम टू सेम वही लिखना है जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था। पहले आपको अपना ट्राइंगल का नाम लिखना है कि कौन से ट्राइंगल में आपकी ये रेशियोज बराबर हो रही हैं। तो यहां लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ओ क्यू आर, ओ क्यू आर के अंदर आपका ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर प्रूफ हो गया है ओ सी अपॉन सी आर के। देयर फोर बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी, यानी बी पी टी के उल्टा, उल्टा लग गया ना, रेशियो बराबर होगी तो उल्टा क्या होता है, उल्टा ये होता है कि लाइन पैरेलल होती है। देयर फोर बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी हम लिख सकते हैं बी सी पैरेलल होगी क्यू आर के, ये, और यही आपको प्रूफ करना था ऊपर, बी सी पैरेलल टू क्यू आर, ये हो गया प्रूफ। तो ये जो चारों क्वेश्चन थे आपके, ये एक जैसे क्वेश्चंस थे। तो
इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस अच्छे से ठीक से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।